इसमें ना मैं तुम लोगों को एक कई बार ना ये गंदी वैल्यूज आ जाती है इसकी ए और बी की, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बी और ए जो हैं वो उनकी वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं दिया होता कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे सपोज मान लो ए की वैल्यू दे रखी है 2.5, सपोज 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी की वैल्यू दे रखी है 2.55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या है, उन दोनों को या तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, ए इंटू बी को ए स्क्वायर मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो हम ए बी को ए स्क्वायर मान सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक चिपका लिया तुम लोगों ने? अरे यहाँ के ना, यस ठीक सर, है। तो इसमें इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है, 4 बाय, जैसे सपोज मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.55 डिवाइडेड बाय, अब 2.55 माइनस 2.5, इसको ऑब्वियसली हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वल नहीं, अरे इक्वल नहीं मान सकते अर्थात, नहीं तो 0 आ जाएगा। क्या कह रहे हैं अर्थात, इसको इक्वल थोड़ी मानेंगे, नीचे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ नहीं हम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते, यहाँ पे तो जो आएगा वो आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू डाल देंगे। बट ऊपर वाली ये कैलकुलेशन जो है, इसको तो क्या है, इसको तो आराम से माइनस हो जाएगा, 0.05 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आएगी, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको अप्रोक्सीमेटली कर लो 2.5 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सी अप्रोक्स का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 5 4 5 7 0 ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, इफ बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो उस केस में जो है ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी होता है, तो अब उसमें लगा सकते हैं। ऑब्वियसली हम यहां पे नहीं कर सकते, अगर मेरे पास सपोज बी की वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू दे रखी है 1 और बी की वैल्यू दे रखी है 1.001, है ना, तो मैं ए इंटू बी करने की बजाय ए स्क्वायर ही कर लो, एक ही सेम ही आंसर आएगा यार। क्या आएगा आंसर ए इंटू बी का, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, लेकिन बी माइनस ए कैनॉट बी निगलेक्टेड, दैट इज 0.001, उसको 0 कर देंगे फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम लोगों का, ठीक है। तो समझ रहे हो, मैथ्स में भी करते होगे ऐसी चीजें। अरे यस नो, यस ठीक है, तुम इतने भेजा है यस नो। वाह, चलो ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आप लोगों का होमवर्क है पार्ट बी तक एक्सरसाइज 0 एंड 1, एक्सरसाइज 0 एंड 1 आपको दोनों करने हैं पार्ट बी के। सिर्फ 1 सेकंड, पेज पीछे कर लो सर। नेक्स्ट टेस्ट में तो फिर करंट वाला चैप्टर पूरा आएगा, करंट पूरा आएगा, करंट पूरा नहीं आएगा, आएगा। नहीं कैपेसिटर्स नहीं आएगा, करंट आएगा बस। सर बर्थडे सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग कहाँ है वो श्रेया, बात तो नहीं की? किसका बर्थडे है सर आज? श्रेया का आज नहीं है, हाँ 31 को था उसका। सर भाग गई तो प्राचित होगा तो उसके बदले एक ही बात है सर। कौन? मैं नहीं जानती तुम्हें। हम तो जानते हैं तुम्हारे जानने से क्या है। तो थोड़ा दिमाग लगा के सोच जो तूने सेंटेंस बोला है। हाँ तो उसमें सोचना क्या है सर, होमवर्क रहने दो, थक गए।
करके कौन सा कल तो क्लास क्वेश्चन है, कल क्लास है नहीं, परसों वैसे ही कुछ नहीं है, संडे है, छुट्टी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे सर, करंट अभी तो कहां, अभी तो अगले संडे है टेस्ट, तब तक होमवर्क ना दो, तब तक होमवर्क नहीं, नहीं सर संडे को दे देना सर, कैपेसिटर नहीं सर अभी नहीं, रोज कर लेंगे, रहने दो कर लेंगे, प्राची तुम रहने दो, दो दिन छुट्टी है, पर 90 दो नमे केस आ गए, 90 दो नमे केस आ गए, वो नमे केस आ गए, 90 ने केस आ गए, दो यार कमाल है यार, तो भी कोरोना तो मैं तो ठीक भी हो गया, मैं तो जिंदा बैठा हूँ तुम लोगों के सामने सर, कई बार तो ना टेस्ट की रिपोर्ट में वैसे ही पॉजिटिव दिखा देते हैं वो नॉर्मल, नहीं सर बड़ी बेरहमी से टेस्ट होते हैं, मैं बताती हूँ, उन्होंने ना स्कूल्स को वो बना रखे है क्वारंटाइन सेंटर, तो बीच में ही सारे बच्चे बड़े लेडीज ये वो, तो ये मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, उसकी मम्मी के साथ वो जाता होता था, ईयरबड को ना नोज